पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। एमएलसी चुनाव को लेकर सचिन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का कहना है कि मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। आज जो एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं और ये जिला पंचायत के चुनाव होते हैं या ब्लॉक प्रमुख के होते हैं, मुझे लगता है कि सरकार को ये चुनाव करवाने ही नहीं चाहिए। जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ इनके खुद के लोग हैं, उन्हें मनोनीत करना चाहिए। चुनाव करके खर्चा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। आज के समय में जिला पंचायत के चुनाव या जिला प्रमुख चुनाव देखिए, बीजेपी अपने लोगों को जिताती है। इस पर जो खर्चा हो रहा है सरकार का चुनाव करने में, एक तो वो खर्चा बचेगा और इनको अपने लोग ही बनाने हैं तो लोगों का उत्पीड़न बंद होगा। क्यों आज वो समय आ चुका है जो मैं अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। आज जो ये एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं या जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं या ब्लॉक प्रमुखी है, मुझे लगता है कि सरकार को अब ये चुनाव जो है कराने ही नहीं चाहिए। और जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे इनको, जो इनके खुद के लोग हैं उनको मनोनीत करना चाहिए, क्योंकि चुनाव कराकर खर्चा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। आज के समय में जिला पंचायत के चुनाव देखिए, ब्लॉक प्रमुखी के देखिए, जो बीजेपी है वो अपने लोगों को ही जिताती है। तो इसमें जो खर्चा है, सरकार का जो खर्चा लगता है इन चुनाव को कराने में, एक तो वो खर्चा बचेगा और जब इनको बनाने ही अपने हैं तो लोगों का उत्पीड़न बंद होगा। फर्जी केस ये लगाने पड़ते हैं इन्हें, लोगों को सताते हैं, वो सब बंद होगा, क्राइम कम होगा। और जो पैसा इन चुनावों में खर्च होता है वो पैसा अनाथ बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। जो ये पेट्रोल डीजल, ये महंगाई, सरसों का तेल, अनाज, ये सब चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, इनको सस्ता करने में मदद करेगा। तो मेरी एक अपील है सरकार से कि आप ये चुनाव बंद कर दीजिए। और मैं आज एक केस आपको बताता हूँ। अमरोहा में एक पार्षद अपना वोट डालने गए, उनका वोट पहले से ही डला हुआ था। और अधिकारियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें अगर नौकरी करनी है, चाहे डीएम है चाहे कप्तान है, उनको अगर नौकरी करनी है तो वो सरकार के हाथों से चलना पड़ रहा है उन्हें। बाबा साहब का जो संविधान लिखा बाबा साहब ने, आज उसको कलंकित किया जा रहा है। रोज रोज लोकतंत्र की हत्या होती है। तो इससे बेहतर रहेगा कि जहां पे भी बीजेपी की सरकार है वहां चुनाव ना कराए जाए और खुद ही लोग अपने मनोनीत कर लें, तो ज्यादा बेहतर होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।